शामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं रायचूर शहर का वन एंड ओनली उर्दू टेलीविज़न चैनल A1 TV रायचूर। नाजरीन, रायचूर की तमाम ख़बरों को कवर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम है रायचूर की बात कन्नड़ मीडिया के साथ। इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं आसिफ ग्रुप। आपने हमारे गुज़िश्ता 2 एपिसोड देखे जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, हज़ारों व्यूज़ उसके आए। तो आइए, आज के क्या अहम ख़बरें कन्नड़ मीडिया में थी उनकी सुर्खियाँ देखते हैं। जानवरों पर जुल्म किया गया तो हो सकती है कैद और जुर्माना दोनों की सज़ा। केरा अराकीन बल्दिया ने जिला डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की कि इजलास आम के फैसले के खिलाफ चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को बिल अदा की गई। मजदूरों को नाकिस राशन किट दी जा रही है, CITU का इल्ज़ाम। बिजनौर तालाब में जहरीला पानी ना छोड़ा जाए। वैक्सीन की सरबराही में हुकूमत नाकाम, नौजवान कांग्रेस कायद रवि भोसराज का इल्ज़ाम। जिले में धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है, मांडवी में सिर्फ एक मामला पेश आया, बाकी तमाम तालुकों में आज सिफर रहा। अब खबरें तफसील से। आज जिला असिस्टेंट कमिश्नर दुर्गेश की सदारत में जानवरों के लिए रहम रखने वाली तंजीम का एक इजलास मुनाकिद किया गया। ये इजलास जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के इजलास हाल में मुनाकिद किया गया था, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर दुर्गेश ने कहा कि जानवरों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 7 साल कैद और जुर्माना आयद हो सकता है। ये इजलास जानवरों की नकलो हमल, जानवरों पर जुल्म और जानवरों की बलि से मुतालिक खवानीन के निफाज के लिए मुनाकिद किया गया था। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जानवरों पर हो रहे जुल्म को रोकना ज़रूरी है। आए दिन सोशल मीडिया पर जानवरों पर जुल्म किए गए वीडियोस और फोटोज आते रहते हैं, इसका सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। जानवरों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ना करें। आश्रम वगैरह में जानवरों की बलि ना चढ़ाई जाए। इन्होंने कहा कि जानवरों की स्मगलिंग की इतला मिलते ही फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि जानवरों को सिर्फ ज़िराद या पालने की गर्ज से ही लाया ले जाया जा सकता है, वो भी इजाज़त हासिल करते हुए, और सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में ही जानवरों की नकलो हमल की इजाज़त रहेगी, और सिर्फ 2 या 4 जानवर ही लाए जा सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जानवरों के तहफ़ के लिए यरगेरा और जम्बल दिनी में 5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जहां जल्दी एक गौशाला कायम किया जाएगा। इस इजलास में महकुमा अफजाइश मवेशा के डिप्टी डायरेक्टर शिवन्ना, अहदेदार महेंद्र कुमार और दीगर भी मौजूद थे। ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ನಾವು ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಾರ ವೈರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾನು ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನೀರು ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಗಳು ನಟಿಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೋ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು. तेरा अराकीन बल्दिया ने जिला डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की कि इजलास आम के फैसले के खिलाफ चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को बिल अदा। बल्दिया के इजलास आम में किए गए फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को बिल अदा करने वाले बल्दिया सदर और बल्दिया कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस के 13 अराकीन बल्दिया ने जिला डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया। इन्होंने कहा कि इस मामले में शफाफियत के सारे कवानीन को नज़रअंदाज किया गया है और एक तरफा फैसला करते हुए गैरकानूनी तौर पर चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को बिल की अदायगी की गई है। साल 2018 में टेंडर के जरिए चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को 1 साल के लिए स्ट्रीट लाइट्स के इंतजाम करने का काम दिया गया था। इसके बाद मियाद की तौसीर के लिए ज़रूरी था कि डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त हासिल की जाए, लेकिन हासिल किए बगैर ही मियाद को आगे बढ़ाया गया। 21 दिसंबर 2020 के इजलास आम में फैसला किया गया था कि स्ट्रीट लाइट्स के इंतजाम के लिए नए टेंडर्स को तलब किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इजलास आम के फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए चैतन्ना इलेक्ट्रिकल्स को
बिल अदा की जा रही है। ये शिकायत नायब सदर बल्दिया नरसम्मा नरसिम्हलु माड़गिरी अराकीन बल्दिया जयण्णा दरूर बसवराज जिंदप्पा तिम्मप्पा नायक हेमलता बुदेप्पा समीना मुकरम अनीता तिम्मरड्डी खुर्शीद बानू और साजिद समीर और दीगर अराकीन ने की। मजदूरों को नाकिस राशन किट दी जा रही है, सीआईटीयू का इल्ज़ाम। मजदूर तंजीम सीआईटीयू ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि मजदूरों को नाकिस राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं। ज़िला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इन्होंने कहा कि ज़िले में जिन तामीराती मजदूरों को राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं वो नाकिस हैं। इसमें मौजूद अनाज और अशिया गैर मयारी हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि अनाज की ख़रीदारी और किट्स की तैयारी में बड़े पैमाने पर खुर्दबुर्द हुई है, लिहाजा इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुतालिका अराकीन असम्बली के ज़रिए ये किट्स तकसीम कराई जा रही हैं, जबकि ये हुकूमत की किट्स हैं, लिहाजा अराकीन असम्बली के बजाय लेबर डिपार्टमेंट ख़ुद इन किट्स को तकसीम करे। इन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि वो तामीराती मजदूरों को कोविड मुआवजे के तौर पर कम से कम 10,000 रुपये जारी करे। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान डी एस शरण बसवा पद्मा वरालक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜನಸಮೂಹ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಾಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ बिजनौर तालाब में जहरीला पानी ना छोड़ा जाए। बीजेपी एससी मोर्चा के सिटी सदर मंचाल भीमन्ना ने शिकायत की कि काडलूर और आसपास के केमिकल कंपनियां कीमियाती फुजला एने केमिकल वेस्टेज को एग्नौर तालाब में और मोजाद के आसपास फेंक रही हैं, जिससे आवाम की जिंदगी और सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मोजे की अराजी में जेर ज़मीन पानी के सरचश्मों को नुकसान पहुँच रहा है। एग्नौर तालाब में इस जहरीले पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से तालाब की मछलियाँ मर रही हैं। माहीगिरी पर रोजगार का इनहिसार करने वाले अफराद की रोजी रोटी मुश्किल हो गई है। यरमरस और दंड की आवाम को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। कंपनियां मुसलसल ये जहरीला पानी यहां पर डंप कर रही हैं और महकमा पुलिस और महकमा माहौलियात के अहदेदार आने के चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इस सिलसिले में जल्द ही कोई इकदाम किया जाए। इस मौके पर हनमेश महेश सोमशेखर और दीगर भी मौजूद थे। ಈ ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 33 ಅರಮನಸೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಳಿ ಕಾರ್ಯವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 12-15 ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಜನರ ಪ್ರಾಣದ ಕೂಡ ಭಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಆಶಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಮೀನುಗಳ ಸದ್ಯತೆ ಈ ಬಡ ರೈತನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸಿರುವುದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಿ ಸರಬರಾಯಿ ಮೇ ಹುಕೂಮತ್ ನಾಕಾಮ್ नौजवान कांग्रेस खायद रवि बोसराज का इल्ज़ाम। कांग्रेस के नौजवान खायद रवि बोसराज ने आज अचानक वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रायचूर शहर में वैक्सीन की सरबराही यानी सप्लाई सही नहीं है। हुकूमत वैक्सीन फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में आवाम वैक्सीन मराकज़ से बिना वैक्सीन लिए ही वापस लौट रही है। वैक्सीन की किल्लत की वजह से आवाम को बगैर वैक्सीनेशन के ही वापस जाना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ तशहीर की गर्ज से 21 जून को वैक्सीन अभियान का ऐलान किया, मगर वैक्सीन के डोज सरबरा नहीं किए गए, जिसकी वजह से आवाम मायूस होकर घर लौट रही है। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि रायचूर की आबादी के लिहाज से यहां पर वैक्सीन सरबरा करे। ज़िले में धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा है। मांडवी में सिर्फ एक मामला पेश आया, बाकी तमाम तालुकों में आज शहरान रायचूर के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि रायचूर शहर में अब कोरोना का कोई मरीज़ आज रिपोर्ट नहीं किया गया।
धीरे धीरे रायचूर जिले में भी कोरोना के केसेस खत्म हो रहे हैं। आज की ICMR रिपोर्ट के मुताबिक रायचूर में 1385 सैंपल्स कलेक्शन किए गए थे, जिनमें से सिर्फ मानवी में एक पॉजिटिव पाया गया, बकिया तमाम अफराद नेगेटिव रहे। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि रायचूर ज़िले में अब कोरोना का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया है।